ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां का पहला गाना आ गया है, नाम है तेरे पीछे तेरा यार खड़ा। 16 फरवरी को गाने का पहला लुक आया था। गाने की शुरुआत एरियल शॉट से की गई है। इसके बाद अक्षय और टाइगर को एस्टैब्लिश करने के लिए उनकी शक्लें नहीं बल्कि उनकी सिक्स पैक्स ऐप दिखाए गए हैं। खैर, ब्रदरहुड वाले इस गाने को लेकर जनता जितनी एक्साइटेड थी, गाना उतना ही फीका सा लग रहा है। इसमें ना तो कोई तगड़ा हुक स्टेप है और ना ही लिरिक्स में कोई दम लगता है। अमूमन फिल्म के मेकर्स अपनी फिल्म के सबसे बेहतरीन गाने को सबसे पहले रिलीज करते हैं ताकि लोगों का ध्यान खींचे, और अगर ये कोई डांस नंबर हो तो ज़्यादा पसंद किया जाता है। अली अब्बास जफर ने भी यही सोचकर इस गाने को रिलीज किया होगा, मगर जितना एफर्ट इस गाने में लगना चाहिए वो दिखता नहीं है। कोरियोग्राफी को देखकर भी ऐसा लगता है कि बस गाना पूरा करना था और किसी तरह उसे निपटा दिया गया है। जब हमने गाना देखा तो लगा कि पहले फुट टैपिंग स्टेप को छोड़ दें तो गाने में कोई हुक स्टेप नहीं है। अक्षय कुमार इसमें अच्छा डांस करते हैं, मगर टाइगर श्रॉफ, उनके होते हुए भी मेकर्स ने उनका सही इस्तेमाल नहीं किया है। वॉर का गाना जय जय शंकर हो या मेरे नाल तू विसिल बजा, सभी में टाइगर ने अपने डांस से महफिल लूटी थी। टाइगर की एक्टिंग तो नहीं, मगर उनके डांस की तो जनता दीवानी है ही। ऐसे में तेरे पीछे तेरा यार खड़ा में टाइगर का कॉमन मैन जैसा डांस गले के नीचे नहीं उतरता। काश टाइगर मेकर्स से ये कह पाते कि मेरी शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। गाने में ब्रोमांस कायदे से दिखा है। एक सीन में अक्षय और टाइगर किसी बार में बैठे हैं जहां टाइगर शॉट्स पीते दिखते हैं और अक्षय कुमार बिना पिए दोनों ग्लास से शॉट्स फेंक देते हैं। हो सकता है इसका रेफरेंस फिल्म में आगे देखने को मिले, मगर पहली नज़र में ऐसा लगता है कि जैसे छोटे भाई को शराब पीने के बाद बड़ा भाई उसे संभालने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, इसलिए वो खुद को ड्रिंक से दूर रखता है। कुल मिलाकर गाना जितना चार्टबस्टर होना चाहिए था उतना नहीं है। मेकर्स की मेहनत गाने में नहीं दिखती। बॉस्को मार्टिस, जिन्होंने पठान के गाने झूमे जो पठान को कोरियोग्राफ किया था, उन्होंने भी नए स्टेप्स बनाने में कुछ खास मेहनत नहीं की। जवान का म्यूजिक देने वाले अनिरुद्ध रविचंद्र और विशाल मिश्रा ने इस गाने को आवाज दी है। इरशाद कामिल ने गाने के बोल लिखे हैं। बड़े मियां छोटे मियां फिल्म की बात करें तो इस साल इसे ईद पर रिलीज किया जाएगा, जिसका क्लैश अजय देवगन की फिल्म मैदान से हो सकता है। इस खबर को लिखा था हमारे साथी मेघना ने। मैं हूं शिवानी। सिनेमा से जुड़ी हर खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।